हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो आज इंडिया में रियलमी नार्जो की 20 सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है और इसके साथ ही एक नेक्स्ट लेवल का कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है। यानी जस्ट उन्होंने रियलमी 7 और 7 प्रो लॉन्च ही किया था, क्या उनकी रियलमी 20 सीरीज भी आ चुकी है? तो क्या ये रियलमी 7 से अच्छा होने वाला है? क्योंकि जो इसका जो प्रो है, वेरियंट है, वो 15,000 रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो आपको सारी स्पेसिफिकेशन सब कुछ सेम देखने को मिलता है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे क्या है आपका जो कन्फ्यूजन है वो पूरी से क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ बताना चाहूँगा, रियलमी नार्जो सीरीज़ के इन्होंने 3 स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। जो सबसे हाई वेरिएंट है वो रियलमी नार्जो 20 प्रो है, सेकंड है रियलमी नार्जो 20 और थर्ड है रियलमी नार्जो 20A। यानी इन्होंने नाम में भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। ए इनको ज़्यादा रखना चाहिए था और 20A जैसे होता, बट इन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रियलमी नार्जो 20 प्रो के बारे में। तो डिटो आपको रियलमी 6 की तरह ही देखने को मिलता है। इसमें भी आपको 6.5 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है और ये भी 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में ही आता है। और आगे बात की जाए तो इसमें आपको MediaTek का G95 प्रोसेसर देखने को मिलता है। और आगे बात की जाए कैमरा के बारे में, तो आपको इसमें बैक में 4 कैमरा सेटअप, यानी 48-5-2-2, यानी 48 का जो मेन कैमरा रहता है, 5 का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 का डेप्थ सेंसर और 2 का माइक्रो सेंसर देखने को मिलता है। और बात की जाए आगे फ्रंट कैमरा के बारे में, तो इसमें आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। ओवरऑल डिजाइन जो डिटो रियलमी 6 की तरह ही है, आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा कुछ भले दिख जाए। और प्लास्टिक की बॉडी इसमें भी आपको देखने को मिलती है। फिर बात की जाए बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और 65W का फास्ट चार्जर, यानी चार्जर की क्या कहना, मतलब एकदम हाई चार्जर। और इसके जो प्रोसेसर है वो बहुत डेंजर। और इसकी जो फर्स्ट प्राइस, इन्होंने 2 वेरिएंट में फ़ोन लॉन्च किए, फर्स्ट है 664 और सेकंड 28। जो 664 की प्राइस है वो 15,000 रुपीज़ है और सेकंड वाले की प्राइस 17,000। यानी अगर 15,000 की रेंज में आज के समय अगर आप फ़ोन देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन मुझे लगा। क्योंकि इसमें आपको जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी वो बहुत बढ़िया, 65W का चार्जर, आप समझ सकते हो कितना फास्ट होता है। इसमें प्रोसेसर भी अच्छा दिया गया, प्लस 90Hz रिफ्रेश रेट जो इसके चार चांद लगा देता है। तो मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप 50,000 की प्राइस में अगर आप फ़ोन ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। आप ये परचेस जरूर कर सकते हो। जब ये आएगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों फ़ोन की दे दूंगा और आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हो। लेकिन हाल फिलहाल में अभी से सेल स्टार्ट नहीं हुई, कुछ दिन बाद से होगी। फिर हम चलते हैं इसके सेकंड छोटे भाई, मतलब ये सबसे बड़ा भाई, फिर वो बीच वाला भाई और वो सबसे भाई। तो जो बीच वाला भाई, उसका नाम है रियलमी नार्जो 20, ओनली ऑन 20 ही रखा गया है नाम। तो बात किया फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको 6.5 इंच की HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें आपको ओनली 60Hz रिफ्रेश रेट ही देखने को मिलता है। और आगे बात किया प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको G85 यानी MediaTek का G85 प्रोसेसर देखने को मिलता है। कैमरा के बारे में, तो आपको बैक में 3 कैमरा सेट, यानी 48, 8 और 2, यानी आपको इसमें 48 का जो मेन कैमरा होता है, 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का डेप्थ, इसमें माइक्रो दिखता भी नहीं। और बात किया फ्रंट में, आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। वह जो बॉडी हो प्लास्टिक की बॉडी, और इसमें थोड़ा कलर चेंज कर दिया, जो C11 C12 या C15 का था उस तरह के इन्होंने डिजाइन रखे हुए हैं। अगर आप बैक में देखोगे तो आपको 4 कैमरा सेटअप लगेगा, बट इसमें ओनली 3 कैमरा सेटअप ही दिया गया है। और आगे बात किया बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलता है। यानी बैटरी के वाले में चार्जर हाईफाई था, इसमें आपको बैटरी एकदम लाजवाब देखने को मिल रही है। और इसमें आपको 18W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है। इन्होंने 2 वेरिएंट लॉन्च किए, फर्स्ट है 464 और सेकंड है 4128। फर्स्ट वाली की प्राइस है 10,500, सेकंड वाली की प्राइस है 11,500। यानी ये भी मुझे बेस्ट लगा, अगर 10,500 यानी 10,500 की प्राइस में जो 464 वाला वेरिएंट है और 11,500 में जो 4128, तो फर्स्ट की प्राइस भी अच्छी लगी है। और स्पेसिफिकेशन के मामले, क्योंकि आज का जो सिनेरियो चल रहा है वो एकदम अजब गजब ही है, तो एक हिसाब से देखो तो मुझे ये भी फ़ोन बहुत अच्छा लगा है। यानी जो 10,000 के ऊपर में अगर आप फ़ोन सोच रहे हो तो आप ये फ़ोन एकदम फुल्ली फाइनल ले सकते हो। तो बात की जाए इसके सबसे छोटे भाई यानी रियलमी नार्जो 20A के बारे में, तो इसमें आपको जो 6.5 इंच की IPS HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। और आगे बात की जाए तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर देखने को मिलता है। और आगे बात की जाए कैमरा के बारे में, तो इसमें आपको बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 12+2+2, यानी 2 जो 12 आता है वो मेन है, 2 है अल्ट्रा वाइड और 2 है डेप्थ सेंसर। इसमें भी आपको माइक्रो दिया नहीं गया। और बात की जाए फ्रंट के बारे में,
तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है और इसमें आगे बात की तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और 10 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है। बात की जाए वेरिएंट्स के बारे में तो ये दो वेरिएंट में लॉन्च हुए, फर्स्ट है 332, सेकंड है 432। तो जो फर्स्ट वाली की प्राइस है वो 8500 और सेकंड वाली की 9500। तो ये भी मुझे बेस्ट लगा क्योंकि अंडर 10,000 रुपीज में आ रहा है और ये आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर भी दे रहा है। तो मुझे तीनों की जो प्राइस वो मुझे बहुत अच्छी लगी, प्राइस के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन, यानी समझ ले रियलमी जो 7 है उसको टक्कर देने के लिए साफ साफ ये है, फिर उधर C12 और C15 को टक्कर देने के लिए साफ साफ है। यानी अगर आप सोच रहे हो फोन परचेस करने का तो 8000 फिर 11000 और जो 15000 की प्राइस में ये आप फोन आराम से ले सकते हो। आपको इसमें डिसेंट प्रोसेसर, डिसेंट डिस्प्ले और जो कैमरा है सब ऑलराउंड बात की जाए तो आपको वन ऑफ द बेस्ट फोन निकल के आता है। रखता हूँ कि जो आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, अगर आपको कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलेगा। और गाइस अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दीजिए, एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।